इनके लब रंगी की निछावर थी के जिसने। आमिर हैं बरेली से और इनका सवाल ये है कि कुरान शरीफ में मीम ज़ेर को में पढ़ें या मी पढ़ें और बे पेश को बो पढ़ें या बो पढ़ें, मारूफ़ और मजहूल बताएं। देखो मारूफ जो है वो तो यही है कि ज़ेर की आवाज़ जो है ना वो गिरती हुई महसूस हो, यानी मीम ज़ेर में नहीं होगा, मीम ज़ेर मी होगा। इसी तरह बा पेश बो नहीं होगा, बा पेश बू। इसी तरह लाम पेश लू होगा। तो जो मारूफ तरीका है वो यही है कि इसको जो अदा करें बहुत सारे लोग इसको बाज़ेर बे ताज़ेर ते पढ़ते हैं। तरीका ये कि मजहूल है, चलने लायक है, लेकिन ये कि ओरिजिनलिटी नहीं है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं है जैसा होना चाहिए था। वो असल में यही है कि बाज़ेर बी ताज़ेर ती लाम ज़ेर ली मीम ज़ेर मी, यानी ई की आवाज़ में जो है ना वो कसरे को पढ़ा जाएगा। इसी तरह जो पेश का आपने बताया कि बा पेश बो पढ़ते हैं बहुत सारे, तो इसको भी बा पेश बू ही पढ़ा जाएगा, ता पेश तू लाम पेश लू, यानी ऊ की आवाज़ के साथ इसको जो है ना वो पढ़ा जाएगा। मारूफ़ यही और मजहूल वही है जो पहले है कि बा पेश बो। और अगर ये कि किसी ने बहुत सारे लोग वजीफ़ों के अंदर इस तरीके का मामले में ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, जैसे या रहमानो तो या रहमानो है या रहमानू है, तो उसमें जो है ना कोई इतना फ़र्क नहीं है, यानी अगर वो बंदा दोनों तरीके से भी पढ़ देगा तो चल जाएगा। लेकिन जो मारूफ तरीका है जो होना चाहिए वो यही है कि रहमानू पढ़ा जाए। इसी तरह बहुत सारे मामलों में जैसे या सलामो, तो बहुत सारे लोग बताते भी हैं या सलामो, अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है सलामो है या सलामू है, असल में है तो सलामो, लेकिन सलामो भी पढ़ेगा तो भी वो चल जाएगा। तो इस तरीके से बंदा को चाहिए कि वो मारूफ पढ़े, यानी या सलामू या रहीमू या गफ्फारू पढ़े, लेकिन कोई इसके अगेंस्ट भी पढ़ देगा तो भी उसका पढ़ा हुआ माना जाएगा। पत्थर में असर